Hey guys, assalamu alaikum, kaise hain aap sab? So, after spending 10 days in this villa, it's time to move forward on our journey and go someplace else. अब 10 दिन यहाँ गुजारे हैं तो थोड़ी बहुत अटैचमेंट तो हो गई है इस एरिया से, इस घर से, इस नेबरहुड से, एंड ऑफ कोर्स यहाँ के डॉग्स एंड कैट्स आर जस्ट लव। और हाँ, यहाँ पे भी आके हम आप लोगों को बिल्कुल नहीं भूले। आप लोग हो ही इतने प्यारे, आपको भूल कैसे सकती हैं। इसलिए हम साथ साथ वीडियोज़ बनाते रहे और कुछ तो हम ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हैं, बाकी की वीडियोज़ भी बहुत जल्दी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जैसे कि आप देख सके हैं, नीली ने इनको एक हफ्ते से इतना खाना दिया है, वो कह रहे हैं बस कर नीली, हमें नहीं खाना। ये देखो कह रहा छोड़ दे साड़ी जान। बाकी मैंने इतना खिलाया कि अब ये जो है ना, कह रहे कि मेरी जान छोड़ो सीरियसली। खा लो यार, खा लो, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग। और ये अंकल हैं हमारे प्यारे से नेबर। जब भी हमको वीडियो शूट करते थे तो हमें बहुत ही हैरानगी से देखते रहते थे। अब जाने से पहले हम इन्हें गुड बाय करेंगे, बाकी का बचा हुआ डॉग फूड भी इन्हें देंगे। इनसे मिलकर तो बहुत ही अच्छा लगता है, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि इन्हें इंग्लिश नहीं आती और हमें टर्किश नहीं आती। नीली, यहाँ से प्लीज़ आराम से उतरना, क्योंकि यहाँ से अगर तुम गिर गई ना तो सीधा हॉस्पिटल जाओगी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? ये दो फूड। ये वो कह रहे हैं यहाँ पे रख दो, मैं इसको थोड़े से ट्रांजेक्शन भी दिखा देता हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग, थैंक यू। मैन, ही इज सो नाइस। अपनी बालकनी से मैं कुछ ना कुछ खाने को ऑफर करते रहते थे। आप बस अंकल की स्माइल देखें, कितनी क्यूट स्माइल है इनकी। Thank you. Look after yourself. Thank you, Allah Hafiz. Thank you. कसम से रोना आ रहा है, इस जगह को हम बहुत मिस करेंगे। गुड बाय। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं ओजी राजा, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। पहाड़ों से उतर के अब ज़मीन पे आ गया हूं। पहले मैं पहाड़ों में था जहां बहुत ज़्यादा गर्मी थी और नीचे उससे भी ज़्यादा गर्मी है, लेकिन ये मैं कंप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बारिश में रह के हमें जितनी ज़्यादा गर्मी मिलती है उतना ज़्यादा मज़ा आ रहा है। और मैं अब आपको एक ऐसे बंदे से मिलाने जा रहा हूं जिसको आपको बहुत खुशी होगी, वो मेरा ड्राइवर है जिसने मुझे काफ़ी सैर कराई यहां पे, जिसका नाम है मिस्टर भाई साहब का नाम क्या था? ओहो, और मेरे साथ है एक हेलो। अच्छा, पहले आप लोगों को बताओ थोड़ा बहुत। बेबी कब आते हैं? हाँ, थोड़ा वेदर के बारे में बताओ, अपनी लोकेशन के बारे में बताओ। अच्छा, इन्फॉर्मेशन दो लोगों को। लोकेशन ये है कि मैं बेबी देखूँ की लोकेशन बताओ। वेदर तो आज बहुत मजे के गाइस, आज 30 degrees है और बड़ी मजे की धूप है। और जो लोकेशन है इस वक्त, हम हैं एक रिजॉर्ट में जो कि लारा बीच की साइड पर है। जी हाँ, नीली ने बिल्कुल ठीक कहा। वेयर एट अस्कालारा रिजॉर्ट एंड स्पा, जो इंटालिया के लारा डिस्ट्रिक्ट में है, एंड इट्स अ 5-star ऑल इंक्लूसिव रिजॉर्ट। और सुनने में आया है कि जो भी इसके अंदर जाता है उसका बाहर निकलने का दिल ही नहीं करता। देखते हैं फिर। और ये है यहाँ की बहुत ही स्पेशल लिफ्ट। इस लिफ्ट की खास बात ये है कि ये आपको ऊपर लेकर जाती है और यही लिफ्ट आपको नीचे भी लेकर आती है। कैसा लगा मेरा मजाक? वाह, क्या व्यू है। वैसे जब भी मैं नीली के साथ किसी भी ऊंची जगह पे होता हूँ तो मुझे एक सीन हमेशा याद आता है। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। हाँ, तो हमने चेक इन कर लिया है, बहुत ज्यादा टाइम लग गया था रिसेप्शन पे, तो थोड़े से थक गया हूँ। आज सुबह से मैंने और रीरी ने ना ब्रेकफास्ट किया ना लंच किया है,
और तो हम डिनर के लिए अब बहुत ज़्यादा भूख लगी है, तो हम डिनर के लिए रेडी हैं यहाँ इस रिजॉर्ट में। 6:30 खाना शुरू होता है, तो बस अब अभी इस वक्त 5:30 है, तो 1 घंटा और वेट करना पड़ेगा। आप भी हमारे साथ चलें, देखते हैं इन्होंने खाने में क्या बनाया है। बेबी शक डू 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 ये Hey, Sinan. Hi. Hi. ओके तो खाना खाने से पहले मैं जल्दी से आप लोगों को इस रिजॉर्ट का टूर कराता हूँ। मैं आगे आगे भागता हूँ, आप सब मेरे पीछे पीछे भागें। सबसे नीचे है एक शॉपिंग सेंटर, शू शॉप, गिफ्ट शॉप, ज्वेलरी शॉप और पता नहीं क्या क्या है यहाँ पे। तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि नीली को इस एरिया से दूर रखूं या फिर अपना क्रेडिट कार्ड छुपा के रखूं। साथ ही है कैफे, ब्रासरी, स्पा सेंटर और फिटनेस सेंटर। और फिर आ जाता है आर्केड गेमिंग सेंटर, जहां पे मेरा और नीली का बहुत ही जबरदस्त मुकाबला होने वाला है। बाहर आ जाए तो एक आउटडोर पूल है और ये काफी बड़ा पूल है। ये देखें, पिंक, रेड, ग्रीन, येलो, हर कलर में आपको कच्चा नजर आएगा। थोड़ा और पीछे चले जाएं तो आ जाता है अस्कालारा का मैग्निफिसेंट वेट एंड वाइल्ड वाटर पार्क। एंड ऑफ कोर्स फिर आ जाता है बीच, और इस बार तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस डरपोक नीली को पैरासेलिंग के लिए कन्विंस कर लूं। ओहो, आप लोगों को रेस्टोरेंट तो दिखाया ही नहीं, और रेस्टोरेंट से याद आया हमारे खाने का टाइम हो गया है, तो टूर को यहीं पे एंड करते हैं और चलते हैं और जाके देखते हैं कि आज खाने में क्या क्या बनाया है।